तो वेलकम बैक बच्चों। लास्ट लास्ट लेक्चर में लास्ट लास्ट में लाइट चली गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी थी। हम वापस से शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नमस्कार आप सभी को, होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब हम आगे शुरू करते हैं, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये पार्ट हमारा आखिरी होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कॉल करके। लेट्स स्टार्ट विथ। तो प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मनोज स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि अब इससे दो चीजें आएंगी। सबसे पहला काम आप ये करो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ो। पूरा क्वेश्चन होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के, पहला काम। दूसरा काम, आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या क्या कॉलम, क्या क्या चीजें एसेट साइड बनानी है और क्या क्या लाइबिलिटी साइड बनानी है। बार बार लेक्चर रिपीट करके देख लो। जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसके साथ मैंने एक नोट्स की फाइल अपलोड की थी, उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें करीब करीब 40 ट्रांजेक्शन की लिस्ट है कि कौन से ट्रांजेक्शन को क्या करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कॉलम बनेंगे। तो कैश और कैपिटल बनेगा, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, सब में यही होता है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड 5,000 क्रेडिट, तो 35,000 का टोटल गुड्स गुड्स का कॉलम बनेगा। 5,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी लाइबिलिटी में क्रेडिटर बनेंगे, और कैश से ये 30,000 का सेटलमेंट होगा। लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, चोरी हो गई यानी लॉस है, तो लॉस कैश से और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,000 इन कैश एंड 10,000 ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स बेचे हैं 7,000 के कैश कैश में और 10,000 के क्रेडिट में। अब इसमें कॉस्ट नहीं दी है, अब इसमें क्या करेंगे सर? तो इसमें क्या करोगे कि जो स्टॉक है उसमें से आप 7 और 10, 17,000 माइनस करोगे। ये जो क्रेडिट में 10,000 बेचे हैं इनको आप डेटर्स का एक कॉलम बनाओगे, और 7,000 जो कैश में है वो कैश में प्लस कर दोगे, यानी 7,000 कैश में प्लस करोगे। दोनों का टोटल कैश और क्रेडिट का 17,000 स्टॉक से माइनस करोगे और डेटर्स में 10,000 का एक कॉलम बना दोगे एसेट साइड। कैपिटल और लाइबिलिटी में इसका कुछ भी नहीं होगा, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को वेजेस देंगे जब आप, तो क्या होगा? इससे वेजेस, इम्प्लॉयज को वेजेस देने से क्या होगा आपका? आपका एक एक्सपेंस है, कैश का आउटफ्लो हुआ, यानी कैश से माइनस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, इसमें कोई कॉलम नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू हो गया यानी अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम है यानी कैपिटल एसेट साइड, एसेट साइड आपका एक कॉलम बन जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फिर परचेज द साइकिल फॉर हिज सन, बेटे के लिए खरीदी है यानी पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे करते हैं हम? ड्रॉइंग मानते हैं, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। उसके बाद गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका भी सेम ट्रीटमेंट ऊपर वाले जैसा, कोई कॉलम नहीं बनेगा। गुड्स कॉस्टिंग 4,000, सेल प्राइस 5,000, गिवेन एज चैरिटी। तो जब चैरिटी, डोनेशन, इस तरह का कोई भी आप एक्शन लेंगे तो वहां पर आपका क्या होगा? हमेशा उसको कैपिटल से ही माइनस करना है, और कैश दिया है तो कैश से माइनस करना है, गुड्स दिए हैं तो गुड्स से माइनस करना है। और हमेशा क्या लेना है? यदि गुड्स दिए हैं तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस ही लेना है। ये ध्यान रखना, जब भी आप चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी करेंगे तो यदि गुड्स का देंगे तो गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लेना है, और उसे कैपिटल से माइनस करना है और स्टॉक से माइनस करना है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्ट, तो हमेशा कॉस्ट ही लेना है, सेल प्राइस पर ध्यान नहीं देना है। अनअर्ड रेंट है, 2,000 का आपको रेंट मिला तो ये अनअर्ड रेंट के नाम से लाइबिलिटी में आ जाएगा और कैश। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं मित्रों। ये देखिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इनकम, लाइबिलिटी में क्रेडिट, लाइबिलिटी में अनअर्ड इनकम और कैपिटल, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। मनोज ने स्टार्ट किया कैश से, तो कैश और कैपिटल में आ गया। इधर परचेज गुड्स हैं 30,000 के कैश में और 5,000 क्रेडिट में, टोटल 35,000 स्टॉक में प्लस,
और कैश में 30,000 माइनस और क्रेडिटर्स में 5,000 प्लस। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, यहाँ से 60 प्लस 35 95, यहाँ पर 5 और यहाँ 90। फिर लॉस ऑफ कैश है थेफ्ट से तो 1000 यहाँ माइनस और कैपिटल से भी माइनस। उसके बाद फिर नई इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको नई इक्वेशन लेना है, पहले दो इक्वेशन। फिर सोल्ड गुड्स 17 तो 17,000 स्टॉक से माइनस, 7 कैश में प्लस, 10 क्रेडिटर, प्रॉफिट वगैरह कुछ है ही नहीं, फिर से नई इक्वेशन। फिर वेजेस पेड है तो 1000 कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस क्योंकि एक्सपेंस है। वेजेस पेड टू इम्प्लाई नई इक्वेशन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड तो एक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम एसेट में और कैपिटल में प्लस, नई इक्वेशन। परचेस ये ड्रॉइंग मान के कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। फिर गुड्स विड्रॉन किए हैं तो स्टॉक से माइनस और कैश से माइनस, फिर नई इक्वेशन, दोनों तरफ इक्वल है नई इक्वेशन। उसके बाद आपका क्या आया, गुड्स कॉस्टिंग 4000 गिवन एट चैरिटी तो गुड्स से माइनस और कैपिटल से माइनस। मैंने आपको बोला था इसमें कॉस्ट माइनस करना है, परचेज वैल्यू भले क्वेश्चन में गिवेन हो हमें परचेज वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर है कॉस्टिंग 1000 तो यहाँ भी गुड्स से माइनस, कैपिटल से माइनस क्योंकि लॉस है, नई इक्वेशन। अनअर्ड रेंट है 2000 का कैश में मिला और लाइबिलिटी में, तो ये टोटल इक्वेशन 65, 12, 10,000 और 1000 दोनों तरफ इक्वल होगा हमेशा। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन हम नया दूसरा देखते हैं। ये भी नॉर्मल है, हो जाएगा। कुछ आखिरी आखिरी का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अभी आया कुछ कैपिटल कैलकुलेशन के, तो इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 80,000 एंड लाइबिलिटीज आर 45, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट आर टोटल इक्विटीज। तो टोटल एसेट का फार्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों प्लस कर दोगे तो टोटल एसेट आ जाएगी। फिर रंजीत हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटी है आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल, जितनी एसेट है टोटल कर लो। कैपिटल क्या हो जाएगा, देखो इस फार्मूले को यदि आप उल्टी पलटी करेंगे तो कैपिटल आपकी इधर आ जाएगी और एसेट आपका इधर आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा प्लस माइनस होके। यानी अब आपकी नई जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, बस ये आप लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। एसेट में क्या क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैश बैंक डेटर्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ये एसेट्स हो गई, इनको प्लस कर लीजिए आप, यानी 22 प्लस 45 प्लस 19, फिर प्लांट एंड मशीनरी 66 प्लस और प्लस फर्नीचर 15,000, ये टोटल कर लेंगे आप इतने अमाउंट का, 22 का टोटल, 45 500, 19 66 और 15,000, इनको प्लस कर लीजिए आपकी टोटल एसेट आ गई। इसमें से आप लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए क्रेडिटर की और बैंक लोन, ये माइनस कर दीजिए, यानी 27,500 प्लस 16,000 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, कैपिटल। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 167,500 माइनस 43,500, 1,24,000 की आपकी कैपिटल आ गई। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर वेरिएबल्स, तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है। सिमिलर टर्म्स आर सिनोनिम्स, कैपिटल को आप ओनर्स इक्विटी, इंटरनल इक्विटी या नेटवर्थ कह सकते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को एक्सटर्नल इक्विटी, आउटसाइड लाइबिलिटी कह सकते हैं, एसेट्स को आप टोटल इक्विटी कह सकते हैं, ये आप नाम याद रखना। अब ये मुकेश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 40,000, ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 10,000 एंड विड्रॉ 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 फॉर द ईयर एंडेड, कैलकुलेट कैपिटल एज ऑन क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो अब आप एक फार्मूला याद रखिए, क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये फार्मूला आप लगा दीजिए क्लोजिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग कर दीजिए, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। यहाँ भर भी 40,000 ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 10,000 माइनस ड्रॉइंग
और प्लस 4000 का प्रॉफिट, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, यानी 40 प्लस 10 50, 50 में से 5 माइनस कीजिए 45, 45 और 4 49,000 की आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए, ये 49,000 की आपकी कैपिटल आ गई। ठीक है, ये अलग अलग केसेस हैं, अब आपको इसमें बताना है ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग और प्रॉफिट आंसर। तो 60 प्लस 20 80, 80 माइनस 5 75, 75 और प्लस 70 कितना हो जाएगा 92,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी पहले केस में। तो मैं यहां लिख देता हूं आपका 92। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल 70 प्लस 31 लाख माइनस ड्रॉइंग, यानी आप बचा 90,000 बचा है, और यहां पर है आपका कितना 1,15,000। तो 90 में से 150 1,15,000 माइनस हुए, तो यहाँ कितना आएगा 25,000 यहाँ पर आ जाएगा मित्रों, 25,000 है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे 50 और 10 60, 60 में से ये लॉस है तो लॉसेस माइनस होते हैं, 60 में से 7 माइनस हुए तो कितना बचा 53 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 45, यानी ड्राइंग के माइनस कितने हो गए 53 और ये 8,000 यहाँ पे आना चाहिए। चलिए अपन बाद में आंसर मैच कर लेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे 60,000 है और ये ड्राइंग माइनस होती है, यानी 60 माइनस 18 कितने बचे 42 में से 5 और माइनस हुए तो कितना बचा 37 होना चाहिए, है कितना 67, यानी कि यहां पर आएगा आपका 30,000। चलिए हम इतना चेक कर लें क्या, तो मैं इतना आपको चेक करा देता हूं, इतना तो आपको याद होगा ही। देखिए चेक कर लीजिए, पहले का 92, दूसरे का 25, फिर 8 और 30 ये पन लिखा था, और इसका 80,000। फिर ओनर्स कैपिटल आपको दिया है, यानी ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिटर दिए हैं तो कैपिटल प्लस ये कर दीजिए, रेवेन्यू टोटल प्लस कर दीजिए, एक्सपेंसेस फॉर द सेम पीरियड दिए हैं, आपको टोटल इक्विटी यानी एसेट्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले निकाल लीजिए, तो ओपनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 2,01,20 माइनस 70 तो 2,50 आ गया। अब टोटल इक्विटी 2,50 प्लस लाइबिलिटी 3,10,000, इस तरीके से आपकी निकल जाएगी। सब में वही फार्मूले यूज हो रहे हैं, यानी अब हम ये मानते हैं कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट करके और इसको सॉल्व कर लेना। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देख लीजिए, ये जो 6 ट्रांजेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल नोट करके रखिए। और जो मैंने आपको शुरुआत में एक जो फर्स्ट लेक्चर है पार्ट वन अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंस दे करके आप उसके नोट्स को डाउनलोड कर लेना, और उससे आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ हम देख लेते हैं। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये इक्वेशन आपका सी ऑप्शन सही है। फिर अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल कैश एंड कैपिटल अमाउंट विल डिक्रीज, तो यहाँ पर आएगा डिक्रीज, प्रोप्राइटर यदि ड्रॉइंग करता है तो कैश भी माइनस होती है, कैपिटल भी माइनस होती है, यानी डिक्रीज आएगा इसमें। फिर एक्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 1,00,000 से उसने शुरुआत की, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। 31 मार्च को हिज एसेट्स वर वर्थ रुपीज
8 lakh एंड लाइबिलिटी 50,000, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो आप क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे मित्रों, देखिए 8 लाख की आपकी एसेट है, इसमें से आप लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7.5 लाख रुपए आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये दुश्मन की चाल है, इससे कोई लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, 7,50,000। फिर विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखिए इनकरेक्ट यानी एसेट्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल सही है, करेक्ट है ये। फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये भी इनकरेक्ट है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी लिखा है ये भी गलत है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल ये भी गलत है। तो अब इसमें इन्होंने क्यों यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है, दो दो इक्वेशन है, एसेट लाइबिलिटी ये सही है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू ये भी सही है। यहाँ पर इनसे एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर इनको माइनस साइन लगाना था, गलती से इन्होंने प्लस लगा दिया है। रेंट पेड विल लीड टू डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैश एसेट, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल सी ऑप्शन है। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकंपनीड बाय, एक एसेट में इंक्रीज होगा तो डिक्रीज इन अनदर एसेट बिल्कुल हो सकता है, इंक्रीज इन कैपिटल हो सकता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी मे लीड टू, दोनों कुछ भी हो सकता है इसमें भी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हमने और प्रैक्टिस कर ली, अब बाकी आप इसको देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है और इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।